एमडीएस यूनिवर्सिटी में एमकॉम फाइनल ईएफएम का पांचवा पेपर है मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। इसका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रबंधकीय कार्य। आज हम प्रबंधकीय कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रबंध का कार्य है नियोजन, प्लानिंग। नियोजन प्रबंध का सर्वप्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अन्य कार्य इसके बाद ही आते हैं। हेनरी फ्योलकिन ने प्रबंध के पांच कार्यों में नियोजन को प्रथम कार्य माना है। प्रबंध के क्षेत्र में नियोजन से आशय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों एवं कार्यक्रमों में से सर्वोत्तम का चुनाव करने से लगाया जाता है। नियोजन की प्रकृति इस प्रकार है, लक्ष्य पूर्ति में योगदान। दूसरा है, नियोजन एक प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी फंक्शन है। नियोजन की सर्वव्यापकता। फोर्थ है, योजनाओं की कार्यकुशलता। पांचवी प्रकृति है, नियोजन एक निरंतर प्रक्रिया है। इसकी छठी प्रकृति, नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है। नियोजन की सातवीं और अंतिम प्रकृति, नियोजन का आधार पूर्वानुमान होना है। अब हम नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। नियोजन के पश्चात प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है संगठन का निर्माण करना। प्रोफेसर आरसी डेविस के अनुसार संगठन मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है जो नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं। संगठन की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं तो इसकी पहली प्रकृति है संगठन समूह के रूप में कार्य करता है। दूसरी प्रकृति है संगठन एक प्रक्रिया के रूप में कार्यरत है। इसकी तीसरी प्रकृति है संगठन संबंधों के ढांचे के रूप में व्यवस्थित रूप से कार्य करता है। संगठन की पांचवी प्रकृति है संगठन प्रबंध के एक तंत्र के रूप में व्यवस्थित रूप से कार्य करता है। संगठन की पांचवी प्रकृति है संगठन एक पद्धति के रूप में भी कार्य करता है। छठी प्रकृति है इसकी संगठन प्रबंध के कार्य के रूप में रहता है। सातवीं प्रकृति है संगठन एक साधन है, साध्य नहीं है, है। संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि बिना संगठन के कोई भी संस्था वर्तमान स्वरूप में कार्य नहीं कर सकती है। यह कार्मिकों को व्यवस्थित रूप से कार्य करवाने में सक्षम बनाती है। प्रबंध का तीसरा कार्य है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय प्रबंध का सार एसेंस होता है जो उपक्रम की विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बनाए रखता है। मुन्ने एवं रेले के अनुसार सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यों में एकता स्थापित करने हेतु सामूहिक प्रयासों की क्रमानुसार व्यवस्था करना आवश्यक है। समन्वय की आवश्यकता केवल व्यवसाय में ही नहीं अपितु सभी स्थानों पर होती है। समन्वय की प्रकृति की चर्चा करते हैं तो इसकी पहली प्रकृति है समन्वय शीर्ष प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है। इसकी दूसरी प्रकृति है समन्वय सामूहिक प्रयासों के लिए कार्य करता है। इसकी तीसरी प्रकृति है निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए समन्वय होना आवश्यक है। और इसकी चौथी प्रकृति है समन्वय एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है। पांचवी प्रकृति है समन्वय प्रयत्नों की एकता है। अंतिम प्रकृति समन्वय की समन्वय सहकारिता से भिन्न और व्यापक
है। प्रबंध का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है अभिप्रेरण, मोटिवेशन। प्रबंध का एक विशिष्ट कार्य है अन्य लोगों के प्रयत्नों से कार्य पूरा करवाना, अतः कार्य के सफल संचालन के लिए अन्य लोगों को अभिप्रेरित करना होता है। ज्यूसियस एवं स्लेंडर के अनुसार अभिप्रेरण प्रोत्साहन देने तथा अपेक्षित उत्तर प्राप्त करने की विधि है। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस ऑफ स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्वों को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रथम है मौद्रिक, दूसरा है अमौद्रिक। प्रथम मौद्रिक में हम लोग मजदूरी एवं वेतन, प्रीमियम, बोनस, इनाम, विनियोग पर ब्याज को सम्मिलित करते हैं। द्वितीय तत्व है अमौद्रिक, जिसमें हम जॉब सुरक्षा, गुणों का आदर, सराहना, एप्रिसिएशन, पदोन्नति, परामर्श, जिम्मेदारी के प्रति पादन, कार्य को मान्यता, कल्याण और सुख सुविधाएं हम लोग सम्मिलित करते हैं। अब प्रबंध के अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य नियंत्रण पर हम लोग चर्चा करेंगे, कंट्रोल। नियंत्रण का प्रबंध में यह आशय होता है कि समस्त कार्य का निष्पादन पूर्व निश्चित योजना, निर्देशों, उद्देश्यों तथा इसके सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं का पता लगाना है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियंत्रण का अर्थ यह निर्धारित करना है कि क्या किया जा रहा है, अर्थात कार्यों का मूल्यांकन करना तथा आवश्यकता होने पर उनमें सुधार संबंधी कार्रवाई करना, ताकि योजना अनुसार कार्यों का निष्पादन हो सके। इस प्रकार नियंत्रण में किसी भी कार्य में कोई त्रुटि होती है तो उसमें सुधार करना संभव होता है, इसलिए नियंत्रण प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। अब हम नियंत्रण की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो पहली प्रकृति है नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है, दूसरा है यह एक प्रबंधकीय कार्य है, तीसरा है यह भविष्य के लिए होता है, चौथा प्रकृति इसके प्रकार है यह एक संपूर्ण पद्धति है, इट इज़ ए कंप्लीट सिस्टम, पांचवी प्रकृति यह सभी स्तरों पर लागू होता है, छठी प्रकृति नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न होता है, सातवीं प्रकृति नियंत्रण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार से होता है, सकारात्मक संस्था के साधनों का उपयोग पर बल देती है और नकारात्मक नियंत्रण अवांछनीय निष्पादन पर रोक लगाती है। आठवीं प्रकृति नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक होता है। नौवीं और अंतिम प्रकृति नियंत्रण नियोजन पर आधारित होता है।